गाइस, हम कल निकल रहे हैं लखनऊ। कुछ अचानक से काम आ गया है जिसके लिए हमको कोर्ट जाना है, और वो है इम्पोर्टेंट। आपको इस ब्लॉग के एंड में पता चलेगा क्या काम है, और वो एक्चुअल में जाना पड़ गया कोर्ट। कुछ कर्म किए थे ऐसे कि अब जाना पड़ रहा है कोर्ट। तो मिलते हैं फिर आगे। वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं अपने पुराने लखनऊ। तो जैसे कि आपने गेस्ट कर लिया हो शायद, हम इस समय चौक आए हुए हैं और रात के बज रहे हैं 9। इतना अच्छा लगता है ना जब भी यहाँ हम लोग आते हैं, जस्ट बिकॉज ये मेरे नाना का घर है और यहाँ पे मम्मी बड़ी हुई हैं, हम बड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, वो रहा सबसे पुराना। अब तो बहुत ब्रांचेज हैं लखनऊ में, बट ये सबसे पुराना है परंपरा। और अभी हम लोग जा रहे हैं लस्सी कॉर्नर, बहुत फेमस लस्सी कॉर्नर है। तो पहले वो था वहाँ पे बिल्डिंग में छोटी सी दुकान, और ये पूरा अब तोड़ के रेनोवेट कर दिया गया है और अब हो गया है वहाँ पे कॉर्नर में। बहुत अच्छी लस्सी मिलती है, बहुत ऑसम छोले भटूरे मिलते हैं, और वहाँ पे मेरा फेवरेट मिलता है जो कि है मिल्क बादाम। मैं इतनी दूर से अपने घर से यहाँ आती थी चौक में सिर्फ मिल्क बादाम पीने, क्योंकि मुझे वो इतना पसंद था। और वो पूरे लखनऊ में आई डाउट कि इससे ज़्यादा बेटर कहीं मिल सकता है। हाँ, एक है हज़रतगंज का चौधरी जहाँ पे मिलता है, बट इसका कंपैरिजन आप कहीं से कर ही नहीं सकते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं श्री लस्सी कॉर्नर पे। ये सबसे पुराना स्पॉट है बेसिकली, जहाँ चटोरापन सबसे ज़्यादा हो सकता है। और आपको पता ही है लखनऊ इज़ नोन फॉर चटोरापन, और यहाँ का खाना सभी को पता है कितना बढ़िया है। तो मेडिकल कॉलेज ये पूरा ही चेंज हो चुका है, इसका रूट पहले और अब में बहुत। काफ़ी टाइम बाद आए हम चौक, अब देखते हैं। और छोले भटूरे तो खाएंगे ही खाएंगे, कटोरा पान। लस्सी लस्सी पी लेंगे यार, पक्का। हाँ हाँ, एकदम। कटोरा पान करने आए तो करेंगे ना यार, एकदम। मिल्क बादाम बोल दिया ऑलरेडी। हाँ ठीक है, ओके। वाह वाह वाह, ये है इसकी लस्सी और ये है इसका मिल्क बादाम। इसके जैसा मिल्क बादाम मैंने आज तक कभी नहीं पिया होगा। खाते रहो। सो फाइनली 3 छोले भटूरे खाने के बाद, तो 3 नहीं, हाँ 3 प्लेट छोले भटूरे खाने के बाद, एक लस्सी और 2 मिल्क बादाम। अभी भी पेट नहीं भरा है, तो अब हम जा रहे हैं कहीं खाने। हाँ, देखते हैं क्या है यहाँ पे। आप पूछ रहे थे ना कि ये दुकान कहाँ थी पहले, तो ये दुकान, ये जो सामने आपको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक घर था ये वाली। हाँ, सामने धिंदोरा, और इसमें नीचे एक छोटी सी पतली सी ऊपर बैठते थे और लस्सी देते थे और छोले भटूरे देते थे और मिल्क बादाम। सो ये है फेमस काली जी मंदिर लखनऊ का, मतलब आगे मंदिर है, ये तो मार्ग है। और ये है हमारी चौक की गलियां जहाँ हमारा और मम्मी का बचपन बीता है। राइट, मम्मी का ज्यादा बीता है, हमारा तो कम बीता है। और ये अंकल जी ने हमारा रास्ता रोक दिया। सो गाइज, अब हम आ गए हैं नाना के घर, इसको बोलते हैं टीले वाला घर। यहाँ पे खाली 2 ही हैं, एक नाना का और एक दूसरा आगे। वो है होटल का नाम, होटल शुभम। वो हिंदी और इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा क्या है। तुम होटल क्यों पढ़ रहे हो? तो होटल शुभम।
इंग्लिश है वो, इंग्लिश। और अब हम कोर्ट आ गए हैं, चलिए देखते हैं अंदर क्या होता है। तो बस ये हमारे रजिस्ट्रार के पेपर साइन हो रहे हैं और फाइनली हम लोग ऑफिशियली शादीशुदा माने जाएंगे अब। अभी नहीं। अच्छा, अभी भी नहीं हुए? डेढ़ साल हो गए शादी को। भैया पतिदेव आप ही हैं, सब जगह आप ही के सिग्नेचर माने जाएंगे ना। ना ना ना, यहाँ यहाँ सैलरी अपनी अपनी है सबकी, अलग अलग। ये सही कहा अंकल ने एकदम। हाँ बस सिग्नेचर हो जाए उसके बाद फिर सारी सैलरी हमारी है। और ये फाइनली कोमल साइन करते हुए, मजा आ रहा है? बड़े दिनों बाद सिग्नेचर करने को मिला। वाह बहुत बढ़िया। इसके बाद सारी सैलरी भी आएगी। सो गाइस, अब हमारा यहाँ पे एक सरप्राइज है आप सबके लिए, ये देखिए। ये रहा सरप्राइज। अरे दिखाओ तो अच्छे से। अरे नहीं, अब इतना अच्छा सरप्राइज है, है ना? अब असली सरप्राइज दिखाएं सबको। इतना गंदा मुंह क्यों बनाए हो? सो प्रांकुर का नया आईफोन आ चुका है अब, और बिजी है। चाकू देख रहे हो, फोन से बड़ा तो चाकू लेके बैठे हुए हैं। आराम से आराम से, अच्छा वाला उद्घाटन हो जाएगा अभी फोन का। आज दो दो खुशखबरी हैं। एक तो फोन आ गया, ये ज्यादा बड़ी खुशखबरी है एक्चुअली प्रांकुर के लिए। और दूसरा कि हम लोग आज लीगली फाइनली डेढ़ साल बाद सर्टिफाइड हुए हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तो आज मोहर लग गई है हमारी शादी में, सर्टिफाइड कपल है। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं है। शादी हो गई कह रहे डेढ़ साल पहले, तो अब क्या करना, पेपर में स्टैंप लगे चाहे ना लगे। तो फाइनली आज हम लोग का मैरिज सर्टिफिकेट बन गया है। थैंक्स टू एवरीवन, वहाँ जो भी थे वो आप वीडियो मम्मी पापा जो एज गवाह गए थे वहाँ पे, काली टाइम पास करके वापस आ गए, काली आधार कार्ड लगा दिए गए उनके। अपनी शादी की क्या मनाने हम लोग आए हैं? रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन सेरेमनी मनाने आए हम लोग यहाँ पे फाइनली। और न्यू फोन की पार्टी देने आए हैं ये। ओह प्लीज, और नहीं तो क्या, कोई फोन वोन नहीं, खुद ने फोन ले लिया, पार्टी भी नहीं दोगे है? बस अब ले लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे ही होता है। पार्टी तो बनती, शादी तो हुई है ना, कम से कम उसकी तो दे दो पार्टी। जब एक्चुअल शादी हुई थी तो हमने दी थी पार्टी, अब आज रजिस्ट्रेशन पार्टी हुई है तो तुम दोगे पार्टी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा तुम्हें लग रहा है? ना 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 ना, कुछ नहीं है, ऐसा ही होगा। हमारे इंडिया में बेसिक सेंस नहीं है। ये भाई साहब यहाँ से लेके वहाँ तक घुसेड़ लिए जबरदस्ती का, एक उधर भी चल गया, एक उधर भी मारो 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 मारो। ये देखो वो सही बोल रहा है बंदा, हमारे इसमें लाइन में भी हैं। ये भाई साहब ये लेके आना चाह रहे हैं, एक ऑलरेडी आ चुके हैं उधर। देखो एक सभ्य आदमी आया।